अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दुबई। आज हम आपको DIFC दुबई की सैर करवाएंगे। आज हमारा विजिट DIFC दुबई बिजनेस में, जो दुबई का बिजनेस हब है, उसकी सैर करवाएंगे। और आप हमारे साथ अगर इस तरह की आप नई लोकेशंस एंड अट्रैक्शन देखना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय YouTube चैनल दुबई आई। अभी हम रासुलपुर रोड में हैं, दुबई एरिया में है ये रासुलपुर। ये इंडस्ट्रियल एरिया आता है, ये राइट लेफ्ट जो है ना रासुलपुर एरिया है मेरे। अभी जो फ्रंट है वो बिजनेस बे आ रहा है, हम सीधा बिजनेस बे पे जा रहे हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इधर से भी वो आपको दिखाते हैं कि बिजनेस बे कैसा दिखता है। बताइए, अभी देखिए हम ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं, गौर से ज़रा देखें तो आपको बुर्ज खलीफा नज़र आ रहा होगा। ये जो बिजनेस बे है, इधर दुनिया के हाइएस्ट टावर में से काफ़ी टावर हैं जिनका नाम पाया जाता है, और बुर्ज खलीफा तो वर्ल्ड टॉलेस्ट टावर है दुबई में, और ये बिजनेस बे के अंदर ही आता है। इसको डाउन टाउन भी कहते हैं। ये देखें राइट साइड, ये सारा दुबई है। 5 किलोमीटर दूर से ये ऐसा दुबई नज़र आता है। जब आप रासुलपुर रिवर्स बिजनेस बे जा रहे होते हैं तो ऐसा दुबई आपको नज़र आएगा। यही दुबई है जो हाईएस्ट टावर्स है, बिजनेस हब है। अभी हम आपके लिए डाउन टाउन का क्लोज अप व्यू ले रहे हैं करीब। तो राइट साइड पे आप देख रहे हैं, यही डाउन टाउन है जो खलीफा जिधर है, और दुबई माल जो खलीफा के बिल्कुल साथ कनेक्ट है। तो डाउन टाउन इसी एरिया को कहते हैं जहाँ पे बुर्ज खलीफा है और दुबई माल है। और राइट साइड पे आप देखेंगे ये कंस्ट्रक्शन की आपको वार्निंग टेप, सेफ्टी कॉन्स, ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि इधर कंस्ट्रक्शन नेवर एंड्स, दुबई ऑलवेज इन प्रोग्रेस। अभी हमारी एंट्री हो गई, अभी हम सारे व्यू आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे लेफ्ट साइड पे नजर आएगा बुर्ज खलीफा, ये हम दुबई माल की तरफ जा रहे हैं। अभी हम ब्रिज से उतर रहे हैं, ब्रिज से उतरते हुए जब व्यू लेते हैं तो बहुत प्यारा व्यू आता है, जबरदस्त। दुनिया के सबसे लंबे ब्रिज, लॉन्गेस्ट ब्रिज इधर दुबई में पाए जाते हैं। हमारी जो एंट्री है वो DIFC की तरफ है। अभी हम दुबई माल को क्रॉस करने वाले हैं। सामने आपको अगर देख सकें तो सामने आपको दुबई माल नजर आ रहा होगा। ये इमार का बेसिकली जो ऑनर है वो इमार है इसका। तो सामने बुर्ज खलीफा हमारी लेफ्ट साइड पे, अभी ये देखें दुबई माल हमारे राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे ये दो पोर्शन में डिवाइड है। इसकी ब्रांच है, इमार है, साबील है, बुर्ज खलीफा है, डाउन टाउन है, इस तरह करके इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। बिल्कुल कनेक्ट करते हैं खलीफा के साथ ये कंस्ट्रक्शन। और पहली जो सबसे पहली बिल्डिंग सामने देखी थी इधर बिजनेस बे में, वो ये बिल्डिंग थी, ये आर्किटेक्चर था, स्पेनिश इटालियन आर्किटेक्चर। इसमें रेजिडेंस है, होटल्स है, ऑफिसेस भी हैं। ये बिल्डिंग देखें आप, दो बिल्डिंग को, ये दो बिल्डिंग के टॉप पे आपको हेलीपैड भी नज़र आएंगे इधर से, और लोग काम करते हैं नज़र हमें तो आ रहे हैं, कैमरे में भी नज़र आएंगे। दो बिल्डिंग को ब्रिज के साथ कनेक्ट किया गया है। अभी हमारी एंट्री DIFC की तरफ होगी, दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर। ये एरिया जो है DIFC कहलाता है। इसमें एमिरेट्स टावर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर रेजिडेंस टावर, फेयरमाउंट होटल, सारे इसमें आते हैं, DIFC के अंदर आते हैं। ये बेसिकली बिजनेस हब है, जो भी बड़ी कंपनीज हैं उनके ऑफिस वो DIFC में है। ये अभी आप देखेंगे डिलीवरी बाइक्स भी, इतना VIP एरिया है लेकिन डिलीवरी बाइक्स भी अपनी जगह रखते हैं।
सामने एट दी एंड, एंड पे आप देखेंगे तो उधर आपको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नजर आ रहा है। कर रहे हैं गेट डिस्ट्रिक्ट, अभी हम क्रॉस कर रहे हैं। इधर तो एसकेएन सिग्नल है तो हमें रुकना पड़ा। आईडीआईएफसी एरिया का ट्रिप करा रहे हैं जो बिजनेस बे एरिया में आता है। राइट साइड पे आपको बिल्डिंग जो नजर आ रही है ये डीआईएफसी की है, ये मेन बिल्डिंग है डीआईएफसी की। forex.com ये सारा कुछ आपको नजर आ रहा होगा, उसके ऊपर ऐड चल रहे हैं। सामने आपको अमेजोन को रेस्टोरेंट नजर आ रहा है, ये इटालियन एक रेस्टोरेंट है, बहुत ही मशहूर रेस्टोरेंट है इस एरिया में, डीआईएफसी एरिया में। तो अगर इटालियन या स्पेनिश आप इंजॉय करना चाहते हैं तो विजिट करें। अभी हम पहुंचे नीम लाउंज, नीम ट्री लाउंज, बहुत ही मशहूर रेस्टोरेंट है जो डीआईएफसी में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दुबई। आज हम आए बिजनेस डे डीआईएफसी एरिया में, दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर के एरिया में, जहां पे हमारे साथ जो बिल्डिंग है वो है डीआईएफसी इनोवेशन हब, जो मेन बिल्डिंग है वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। इधर एक तो आप खूबसूरत बिल्डिंगें देखेंगे, दूसरा आपको दिखाएंगे कि जहाँ इतनी खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं तो वहाँ आपको साथ ही नई कंस्ट्रक्शन भी नज़र आएगी। ये देखें, ये बिजनेस बे, ये इनोवेशन हब की बिल्डिंग है, इनोवेशन हब है ये, और इसके साथ ही नई बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हो रही है। टाइम ठीक हो गया, और इसके साथ ही आपको बैक साइड पे एक बिल्डिंग दिखाता हूँ, क्या आर्किटेक्चर है। ऐसे जिस तरह एक तोप का बाहर मुँह नहीं निकला होता तो बिल्डिंग बना दी इन्होंने। इस साइड पे और बिल्डिंग्स हैं, टावर पेरिस टावर की तरह एक इन्होंने कनोपी बनाई है टॉप पे। ये मेरे साथ बिल्डिंग आ रहे हैं। असल में आज हमारा जो विजिट था वो था नीम ट्री लाउंज, नीम बेसिकली एक बहुत ही वीआईपी रेस्टोरेंट है, आज हमारा उधर का विजिट था। ये आपको पीछे आपको नज़र आ रहा होगा दोस्त सानी होटल, ये इधर होटल बहुत ज़्यादा होटल भी हैं और रेजिडेंस एरिया भी हैं। आप जो इधर बिल्डिंग्स हैं उधर ऑफिसेज हैं, पूरी दुनिया की जो कंपनीज हैं उनके ऑफिसेज यहाँ आपको मिलेंगे इस एरिया में, डीआईएफसी बिजनेस बे दुबई। तो हम चाहते हैं जैसा हम एंजॉय करें, जैसे हम घूमें वैसे ही आप घूमें, हमारे साथ रहें और घूमते रहें, दुबई देखें और लोगों को भी बताएं दुबई के बारे में, दुबई की लाइफ स्टाइल के बारे में, दुबई कैसा दिखता है, दुबई की लोकेशन क्या है, दुबई में होता क्या है, लोग करते क्या है, लेबर करती क्या है। अगर आप देखना चाहते हैं तो स्टे ट्यून, प्लीज सब्सक्राइब दुबई आई।